हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको ऑल इंडिया की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की जो वैकेंसी आती हैं TGT PGT PRT की, उन सभी का नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। तो आपको अदर चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि जैसे को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और यहाँ जो है गोवा यूनिवर्सिटी से अलग अलग सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट जारी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ये 25 मई 2024 के लगभग में जारी हुआ है। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फिलोविंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड टेम्परेली फॉर द फर्स्ट स्ट्रीम द अकेडमिक ईयर 2024-25 एंड द सेकेंड स्ट्रीम द अकेडमिक ईयर 2024-25 गोवा यूनिवर्सिटी बेसिस ऑन नीड। तो देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो होना क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, MSc होनी चाहिए या फिर MEA इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। टोटल पोस्ट 4 हैं जिसमें 2 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं। और इसका जो इंटरव्यू होगा 3 जून 2024 को होगा 10 बजे से। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट तो देख सकते हैं 1 पोस्ट है जनरल की है, उसका इंटरव्यू जो होगा 3 जून 2024 को होगा 2:30 बजे से। उसके बाद में नंबर 3 पर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन मरीन साइंस में, तो देख सकते हैं फिजिकल है। उसके बाद में मरीन जूलॉजी अप्लाइड जूलॉजी है। और उसको बात करें तो फिजिकल में 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक OBC को। इसका जो इंटरव्यू होगा 4 जून 2024 को होगा 10 बजे से। और इसमें जो है 1 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी 4 जून 2024 को होना है। उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स में, कॉमर्स की 1 पोस्ट है, OBC की है। इसका इंटरव्यू जो होगा 4 जून को होगा 2:15 से। नंबर 5 पर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एन MBA डिपार्टमेंट्स में, ट्रस्ट में, मास में, तो हॉस्पिटलिटी में देखिए टोटल 2 पोस्ट हैं जिसमें से 1 जनरल की, 1 OBC की। इसका इंटरव्यू जो होगा 4 जून को होगा 4:15 पर। उसके बाद में देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, इंग्लिश है तो टोटल 3 पोस्ट है, एक जनरल की है, एक EWS, एक OBC है। और इसका जो इंटरव्यू होगा 5 जून 2024 को होना है 10 बजे से। नंबर 7 पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोग्रॉस में 2 पोस्ट हैं, जनरल की है, OBC की। इसका इंटरव्यू जो होना 5 जून 2024 को 2:15 से होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फ्रेंच में टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, एक OBC की है। इसका इंटरव्यू 5 जून 2024 को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल 2 पोस्ट हैं। उसका जो इंटरव्यू होगा 6 जून 2024 को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री, और देख सकते हैं MSc इन फिजिकल केमिस्ट्री होनी चाहिए, 2 पोस्ट हैं, एक जनरल, एक EWS की है। और इसका इंटरव्यू 6 जून 2024 को होना है। नंबर 11 पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री में, MSc इन बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, 2 पोस्ट, एक जनरल की, एक OBC की। टोटल जो है इसका जो इंटरव्यू होगा 6 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में टोटल 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक ST की है। इसका इंटरव्यू 10 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं, एक OBC की है। इसका इंटरव्यू 10 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट में टोटल 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक SC की। और इसका इंटरव्यू भी जो है 10 जून को होना है। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो टोटल जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक OBC की। इसका इंटरव्यू जो है 10 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, टोटल 4 पोस्ट हैं जिसमें से 2 पोस्ट है जनरल की, एक ST की, एक OBC की। इसका इंटरव्यू भी 11 जून 2024 को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इकोनॉमिक्स में टोटल 3 पोस्ट हैं, एक जनरल की है, एक EWS, एक ST की है। इसका इंटरव्यू 11 जून 2024 को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट्स में 1 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 13 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट है, एक EWS की है और एक जनरल की। इसका इंटरव्यू 13 जून को होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशल वर्क में, सोशल वर्क की 3 पोस्ट हैं, जनरल की है, एक जनरल की, एक OBC की, एक ST की है। तो 18 जून को होना है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो था इसका इंटरव्यू शेड्यूल था, तो देख सकते हैं वाकिफ इंटरव्यू एट द काउंसलिंग हॉल। तो देखिए आपको गोवा यूनिवर्सिटी में उपस्थित हो जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट जारी हुई उसमें PG की हो 55% मार्क्स के साथ, दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेट हो या फिर नेट नहीं है तो आप PhD हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मैंने बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर दे सकते हैं, 15 ईयर रेसिडेंसी इन गोवा,
तो दे सकते हैं इसके, और नेसेसरी रूल्स दे सकते हैं। इंटरव्यू के समय आपको TDA नहीं दिया जाएगा, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशन फीस इन्होंने नहीं खोली है कि भाई कितनी फीस है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं या इंटरव्यू की डेट में डायरेक्ट उपस्थित हो सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए।